नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें इस बारे में हम जानकारी देंगे। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना ही होगा और इसके विषय में हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देने की कोशिश करी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इसकी लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं कि आप इस योजना के लिए योग्य हैं या नहीं, या आपको 5 लाख का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लिस्ट देखने के लिए आपको अपने गूगल ब्राउजर पे जाना है और वहां पर आपको टाइप करना है abnhpm.gov.in। ये आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आपको यही टाइप कर लेना है और इसे सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनकी सरकारी जो साइट है, सरकारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस तरह का उसका इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा am I eligible, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, तो आपको पहले नंबर पर ही इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप यहाँ पर अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, बस वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, मैं भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ठीक, आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक OTP आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर लिखना है, तो जो यहाँ पर लिखा हो वही कैप्चा कोड बिल्कुल सेम आपको देखकर यहाँ पर उतार लेना है या लिख देना है, ठीक है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको जनरेट OTP पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप 2-4 सेकंड का वेट कीजिए, आपके पास एक OTP आएगा। देखिए OTP आ चुका है। अब OTP को आपको यहाँ पर लिख देना है, तो मैं यहाँ पर OTP लिख देता हूँ, आप भी लिख दीजिएगा OTP जो भी आपके पास आएगा वो। बिल्कुल ठीक, आपको OTP यहाँ पर डालना है और OTP डालने के बाद आपको इधर चेक कर देना है। ये देखिए मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर लिस्ट देखने का जो फॉर्म है या परफॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है ये सिलेक्ट स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पर अपने स्टेट वाइज आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं और वो कैसे देखनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं से भी आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आप वहाँ अपना स्टेट जो है वो चुन लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको चुन के दिखा देता हूँ, देखिए मैंने बिहार चुन लिया है। उसके बाद सेकेंड नंबर का ऑप्शन आएगा सिलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी चुननी है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप किसकी मदद से नाम देखना चाहते हैं, नाम सर्च करना चाहते हैं। आप अपने नाम से सर्च करना चाहते हैं, राशन कार्ड नंबर से सर्च करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं, या RSBY URN नंबर से सर्च करना चाहते हैं। तो आप अगर राशन कार्ड आपका बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप राशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहें आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाय नेम पर सर्च कर देता हूँ। जैसे आप बाय नेम पर सर्च करेंगे तो देखिए एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पर, जिसमें आपसे आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, वाइफ का नाम, आपकी जगह, एरिया या विलेज, टाउन, आपकी उम्र, ये सब पूछा जाएगा। तो मेरा यहाँ पर देखिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि हमारे घर में सरकारी नौकरी में भी लोग हैं। तो इस योजना के अंदर अगर आपके परिवार में सरकारी नौकरी में कोई है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरा नाम तो इसके अंदर आने से रहा। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये बाय नेम से आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राशन कार्ड से सर्च करना तो इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो आपको जैसे ही राशन कार्ड का आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको राशन नंबर लिखना पड़ेगा, राशन कार्ड नंबर लिखना है सिंपल, और यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके पास यहीं पर एक मैसेज आ जाएगा कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि योग्य हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है आपको जो मैंने बताया मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। और ये मोबाइल नंबर हम आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में घर घर आकर जो इनके एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मोबाइल नंबर कलेक्ट किए थे और वही मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर सर्वर में डाले गए हैं योग्यता के अनुसार, ठीक है। तो आपका अगर मोबाइल नंबर इसके अंदर होगा तो मोबाइल नंबर से भी आप इसको यहाँ मोबाइल नंबर लिखकर सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं और सबसे बढ़िया तो इसमें राशन कार्ड नंबर से आप सर्च कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका तो वही है। तो दोस्तों ये एक तरीका था कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट के अंदर अपना नाम देख सकते हैं कि आपको 5 लाख रुपए का
हर साल का लाभ मिलेगा या नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।